यहाँ से आप बाहर जाएगा, यहाँ फौजी पहरा है। इन सीढ़ियों से होते हुए आप यहाँ, इन सीढ़ियों से होते हुए आप इस बड़े कमरे में जाएंगे। यहाँ बहुत से कैदी बंद है, लेकिन वो साहब आपके यहाँ नहीं है। वो यहाँ से इन सीढ़ियों से इस कमरे में है, लेकिन अकेले हैं। साहब यहाँ बहुत फौजी पहरा है, बहुत खतरा है। हम खतरे से नहीं डरते। कैसे हो तुम? कैसे हो? ये जब तुम्हारे बारे में सुना कि तुम सब ठीक है, हम सब ठीक है। इधर कोई आया? जवाब क्यों नहीं देता है? हम खाना खाता, तुम पानी लाओ। मैं तो तेरा नौकर हूं। राम, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने यहाँ का सारा नक्शा बना रखा है। साला वो मेरे को गाली दिया, मैं इसको गोली से मार दूंगा। तुमने मुझे गाली दिया, उठा इसे, वहां बाहर के नीचे फेंक देते हैं। भैया अपने पास वक्त बहुत कम है। यह है हमारा प्लान, किस वक्त क्या करना है सब तफसील में लिखा हुआ है, और इसे अपने पास रखो। और राम, मैंने इस इलाके का तमाम नक्शा बना रखा है। दुश्मन ने कहां कहां तोपे लगा रखी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ दीदी, राजन जिंदा है। अभी भी वॉलेस पर खबर आई है। यस सर, वी हैव कंप्लीटेड द रिकॉग्निशन, लेकिन उनकी गन पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जब तक उनकी गन्स तबाह नहीं कर दी जाती, इस वैली में किसी हवाई जहाज की एंट्री नामुमकिन है। ओवर। सर, हमें डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड्स, टाइम बॉम्ब्स, मशीन गन्स और ब्रेन गन्स पैराशूट के जरिए भेज दीजिए। सर, चार कमांडोज पैराशूट के जरिए और भेज दीजिए, ताकि एक ही रात में सब जगहों पर टाइम बम फिक्स किया जा सके। ओके, कीप ऑन बॉयज। ओह दैट्स वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद द बॉयज। उनको जो मांगता है पैराशूट के जरिए पहुंचाओ। व्हाट डॉक्टर, तुम जाना मांगता है कमांडोज के साथ? यस सर, आपने कमांडोज के साथ जाने के लिए डॉक्टर मांगा था, सो आई वॉलंटियर मायसेल्फ। बट तुम्हारा हॉस्पिटल में कोई मेल डॉक्टर ना है? सर, मेरे सिवा यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसने
पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग ली हो। ओह रियली? यस सर, ये ट्रेनिंग मैंने लंदन में ली थी। हम लोग जंगल में गया था लकड़ियां काटने के लिए, घास लाने। घास लाने में इतनी देर लगती है? ए लड़की, क्या बदतमीजी दे रहे? ए पिचक, ओ लड़की पिचक, ए क्या हुआ? वो देखो वो छेड़ता है। छेड़ता है तुम्हें? बाजू हटो। ए कौन छेड़ता? हमारी बीवी को छेड़ता है? गलत बात नहीं। अरे गलत क्या बात? हमने अपनी आंखों से देखा है। मार दो उसको। अरे गोली मारेगा। चुप रहो। ये हमारी बीवी को छेड़ता है। चुप रहो वरना गोली मार दूंगा। ओ हां हां, इन्होंने मेरे सामने साफ से ज्यादा लिया था, जाने दो। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? चलो चलता है, चलता है, चलो मत भरो। चलो लो साहब, अब सब ठीक हो गया, कोई खतरा नहीं। थैंक यू सर। आप जी? भाई मुझे दीजिए। भाई सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मजूरी में। आज इन्हीं की बदौलत तो हम जिंदा हैं। जानती उषा, जापानी को हमारे यहाँ आने की इत्तला हो चुकी है। हाँ? इसने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है, और तब से हमारे साथ। और ये जितने कबायली हैं सब इसी की वजह से हमारे साथ ही बन गए। अच्छा। ब्रिटिश सरकार को तो इसे विक्टोरिया क्रॉस देना चाहिए। इसे विक्टोरिया क्रॉस नहीं, किसी और चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत? तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो मोहब्बत का मतलब ही नहीं आता। उषा, जितना मैं इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाता था उतनी ही इसकी इज्जत करता हूँ। कभी कभी तो बेचारी पर तरस आता है, लेकिन मैं क्या करूं, गलत आदमी से प्यार कर बैठी है। Well done, boys. ये सारा सामान ठीक तरह संभाल लो। इसके 15 मिनट बाद मीटिंग होगी। मैं हेडक्वार्टर सिग्नल करता हूँ कि पार्टी से पहुंच गई है। ओके सर। शंकर। यस सर। कम अलोंग विद मी। यस। राजकुमारी जी, हम सब के होते हुए ये काम आपका ना ही। नहीं अंकल, ठीक है। कि राजकुमारी जी, संगीता, ये सब काम तुम संभालो। कल आप उठिए। राजकुमारी, कहाँ जा रही हो? मुझे पहचानती नहीं? पहचानती हूँ। सुनो, आज मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने आई हूं। तुम्हारे चरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहती हूं। भीम साहब, एक गंवार जंगली लड़की, आप शहर के पढ़े लिखे लोग मुझसे क्या सीखेंगे? मोहब्बत। हाँ, प्यार करना सीखना चाहती हूं तुमसे। जिसने हर घड़ी तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, जो तुम्हें ठुकराकर दूसरी लड़की से प्यार का नाता जोड़ना चाहता है, ये सब कुछ जानते हुए भी उसके लिए अपनी जान हथेली पे लिए जगह जगह उसकी रक्षा करती फिरती हो, तुमसे बड़ा प्यार करने वाला कौन होगा? I'll join you later. मैं तुम्हें मन से प्रणाम करती हूँ। मैं नहीं जानती कि शहर की लड़कियों को इस तरह जहरीली बातों के तीर चलाना भी आता है। मेरा सब कुछ छीन कर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। नहीं राजकुमारी,
मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। राम तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, तुम अपनी प्यार की ताकत नहीं जानती, मगर मैंने प्यार की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने देखा है कि मेरे प्यार की सच्चाई को देखकर आई हुई मौत भी टल गई। और देखो मेरा राजन तुम्हें तुम्हें जिंदा मिला। राजन? हाँ, वही। और वो सगाई? वो सब झूठ था। उस वक्त डॉक्टरों ने कहा राजन के पिताजी अपने बेटे का गम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। उनकी जान बचाने के लिए पिताजी ने जोर लगाया कि मैं राम से शादी कर लूं। जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझसे कहा इस वक्त झूठी हाँ कर दे बेटी तो उनकी जान बच जाएगी। मैं अपने राजन के लिए, राजन के पिता की जान बचाने के लिए जुबान बंद रखी और मैं बहू बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो मुझे राम की बहू समझते रहे, मैं राजन के नाते उनकी बहू बनकर उनके चरणों में बैठ गई। मुझे विश्वास था अपने प्यार पर। सिर्फ एक बार घबरा कर जब मैंने राजन की तस्वीर भगवान के चरणों में रख दी तो एक आवाज आई, भगवान के द्वार पर कैसी निराशा। मैं तस्वीर उठाकर वापस चली आई और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे राजन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये काले निशान जो तुम देख रहे हो ये सब दुश्मन की गन पोस्ट हैं। परसों सुबह 6:25 पर दुश्मन की तमाम तोपें एक साथ ब्लास्ट हो जानी चाहिए, जिसके लिए हमें जगह जगह टाइम बम रखने पड़ेंगे। नंबर 5। यस सर। ये जगह बहुत अहम है, इस तोप को उड़ाने की ड्यूटी तुम्हारी है। ओके सर। नंबर 10। यस सर। तुम यहां जाओगे। यस सर। बी वेरी केयरफुल बॉयज।
दुश्मन की तमाम गन पोजीशंस एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगी। इसके ठीक 5 मिनट के अंदर डेकोडा हवाई जहाज लैंड करना चाहिए। 6:45 पर डेकोडा टेक ऑफ करेगा और 6:50 पर एयरस्ट्रिप टाइम बम से ब्लास्ट हो जाएगी। यू आर राइट, एयरफोर्स का कोई प्लेन वहां लैंड नहीं कर सकता। एक डेकोडा वहां भेजो जो उन लोगों को बचा के वहां से लाए। दुश्मन को खबर होने से पहले हमने अपना हवाई अड्डा यहां तैयार कर लिया है। हेडक्वार्टर से खबर आई है कि रंगून से कल हमारे हवाई जहाज यहाँ दोपहर तक पहुंच जाएंगे और परसों से कलकत्ता पर बमबारी शुरू कर दी जाएगी। नंबर 34, 35 कल रात से दोनों गायब है। फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल प्लान टू एस्केप। हम लोग इस वक्त यहाँ हैं। विंग कमांडर राजन कपूर इस ऊपर की मंजिल में कैद है और हमारे बाकी साथी इस हॉल में कैद है। अब तीनों पार्टी को मिलकर एक साथ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने हमारे दोस्ती वालों को देखा? लेकिन उनके बाहर जाने का यही एक रास्ता है जो बहुत तंग है। जरूरत पड़ने पर यहाँ बैठा हुआ एक सिपाही भी उनकी सारी फौज को रोक के रख सकता है। राजकुमारी जी, क्षमा करो, हम मजबूर थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों के घर में तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे मेहमान की जान खतरे में पड़ गई और तुम एक उंगली तक ना उठा सके। जब हम अपने कर्नल साहब को बताएगा तो खुश हो जाएगा क्योंकि सारे ब्रिटिश कमांडर्स पकड़ गए हैं। हम लोग को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। There is a very good news for you. Speak! सब ब्रिटिश कमांडर्स पकड़े गए और ये सब गुफा में चुपे हुए थे सर। हाँ। हाँ।
Commando! सामने ट्रक खड़ा है, जिन लोगों के पास हथियार है उन सबको लेकर ट्रक में पहुंचो और हमारा इंतजार करो। हरी अप प्लीज गो। नंबर 79 यू कमांडर। ओके सर। पीछे की तरफ से जाओ। अपने आदमी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तुम निहत्थे लोग इन जापानियों का मुकाबला कैसे करो? मरने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर तुम को रुकेंगे, अब तुम जाओ। अब इन बातों का वक्त नहीं है। जा, अपना फर्ज पूरा कर। बॉयस, get out of this place. कभी बच के जाने मत दो, हमारे साथ चलो। नेहते कबाइली जापानी को नहीं रोक सके और वो लोग आ रहे हैं। ये एक जगह, यहाँ एक भी सिपाही पूरी फौज को रोक सकता है। हमारा जहाज लैंड करने वाला है, तुम्हें सबको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। ठीक है, तुम इनको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। विंग कमांडर कपूर, ये कमांड मेरी है, जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। राम, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, नो टाइम फॉर सेंटीमेंट्स, प्लीज हरी अप। ओके सर, we'll wait for you. हवाई जहाज ठीक 6:30 बजे टेक ऑफ होगा। नंबर 7, बैरियर टॉप। भाभी, गुड लक। भैया का ख्याल रखना। नंबर 10, ड्राइव ऑन। You don't worry. मैं पीछे से ऊपर जाकर उसको एंगेज करता हूँ, इतने में आप लोग निकल जाइए। नहीं।
ये प्लेन उतरने ना पाए। मोटरसाइकिल कैनन। मैं अपने जीजे की ये प्लेन लैंड करने नहीं दूंगा। ड्राइवर चलो। इस एयरपोर्ट को लाने के लिए जो हमने बम लगा रखे हैं उनको ब्लास्ट होने में 5 मिनट बाकी हैं और हम 4 मिनट तक राम का इंतजार कर सकते हैं। क्या कर लिया तुमने? क्यों मेरे लिए अपनी जान दे दी? प्यार करने वाले ऐसा ही करते हैं। लेकिन किसने तुमसे प्यार किया था? तू नहीं जानती थी मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता रहा हूं? न जानती थी। तुलसी,
दोषी मुझे थोड़ा वक्त और दिया होता, मैं तुम्हें इतना प्यार करता, इतना प्यार करता। मैं जानती हूँ ना, मरने वाले को सब झूठी तसल्ली देते हैं। नहीं नहीं तोशी, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है तोशी। तुशी, एक बार कह दो मेरे प्यार पर तुम्हें विश्वास है। मुझे तुम्हारी सब बात पे विश्वास है, सब बात पे विश्वास है, बात पे विश्वास है। Thank you.